Hi everyone, yesterday we read about the separation of mixtures. Today we will discuss about the separation of mixture of two solids. Dear student, हमने कल आपको क्या किया था, सेपरेशन के बारे में बताया था. आज हम लोग ऐसे मिक्सचर का सेपरेशन करेंगे जिसमें दो सॉलिड डिजॉल्व होते हैं, जिसमें से पहला मेथड है आपका सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करके करेंगे. तो आवर फर्स्ट हेडिंग इज सेपरेशन बाय अ सुटेबल सॉल्वेंट. आप लोग एक सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करके क्या करते हैं, सॉल्ट सेपरेट करेंगे, सॉलिड टू सॉलिड वाला. ठीक है, देखिए ये मेथड का यूज तब होता है जब हमारे पास क्या होते हैं, जो मिक्सचर हैं और मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, जो हमारा मिक्सचर है, जिस कंपोनेंट से वो क्रिएट हुआ है, वो क्या रहे, एक मतलब ऐसा लिक्विड हम ले रहे हैं एक, जिसमें एक में तो ये डिसॉल्व रहे एक कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट में ये अनडिसॉल्व रहे. सो वी कैन से दैट इन सम केसेस वन कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज सॉल्युबल, ठीक है, और डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर लिक्विड, बट द अदर कंपोनेंट्स आर नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड. ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, अगर देखिए हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कंपोनेंट्स हैं उनके, ठीक है, और ये कंपोनेंट्स एक लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए और दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व ना हो, तो हम ये मेथड का यूज कर सकते हैं. अब देखिए ये हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे. जैसे मान लेते हैं शुगर, अपने पास का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड. हमारे पास मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, शुगर का और सैंड का, शुगर और सैंड मिक्सचर है. अब देखिए जो शुगर और सैंड मिक्सचर की बात हो रही है, ये हम एक ऐसा चीज अपना लें, एक ऐसा सॉल्वेंट ले आए जिसमें आपका क्या हो जाए, एक डिसॉल्व हो जाए, जैसे शुगर डिसॉल्व हो जाए और सैंड ना डिसॉल्व हो, तो ये आपका सॉल्वेंट कौन सा रहता है, वाटर. ठीक है, अब देखिए जब हम वाटर सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं तो शुगर डिसॉल्व हो जाएगा बट सॉल्वेंट नहीं, इसका हम लोग अलग कर लेंगे. ठीक है, तो सेपरेशन हो जाएगा. अब देखिए इसमें होता क्या है प्रोसेस में, तो प्रोसेस में देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, सैंड है, हम सॉल्वेंट का भी यूज़ करेंगे. तो पहले तो आपको क्या करना है, एक बीकर ले लेना है. ठीक है, कुछ इस टाइप आपका हो गया बीकर, ये बीकर है, और इस बीकर में शुगर और सैंड के मिक्सचर को रखना है. तो यहाँ पर आपका हो जा रहा है शुगर और सैंड का मिक्सचर हो गया, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड. ठीक है, देन अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग वाटर, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट हमने वाटर लिया है, और इसको घुमाएंगे एंड इफ्टेर को घुमाएंगे. ठीक है, इसी रॉड से, आयरन ग्लास रॉड से इसको घुमाएंगे, रोटेट कराएंगे, तो क्या होता है, अब बीकर तो आपका ये ऐसे है, अब इसमें आपने वाटर ऐड कर दिया था. ठीक है ना, तो जब वाटर ऐड कर दिया था और इसको डिसॉल्व कर दिया, बढ़िया से मूव कराया था किसी ग्लास रॉड से, तो जो सैंड पार्टिकल थे वो आपके बॉटम में कंजर्व हो गए थे, बाकी ऊपर का क्या है, ये वाटर और शुगर दोनों मिल जाते हैं. ठीक है ना, तो वाटर एंड शुगर इसमें हो जाएंगे, इट मीन्स ये शुगर सॉल्यूशन हो गया है. अब शुगर सॉल्यूशन से सैंड को कैसे अलग करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आपको जो है बनाना पड़ेगा डायग्राम चिप टाइप. हमने एक स्टैंड ले लेना है ऐसे, ठीक है, स्टैंड हो गया. यहाँ पर हम लोग एक अदर बीकर रखेंगे, ठीक है,
और इस बीकर को, इस बीकर में हम लोग क्या करेंगे, एक फनल फिट करेंगे कुछ इस टाइप। ये हो जाएगा आपका फनल, ठीक है। और इस फनल को क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। एडजस्ट हो गया ये फनल। अब इस फनल में जो ये शुगर सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, गिरा देंगे, ठीक है ना। बट यहाँ पर आप फिल्टर पेपर लगा दीजिएगा, ये आपका फिल्टर पेपर हो जाएगा। ये फिल्टर पेपर आ गया है। अब जब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन को गिराएंगे, तो ये सॉल्यूशन जो है ड्रॉप 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 करके इसमें आता जाएगा। बट जो आपके सैंड वाले हैं पार्टिकल, वो सैंड क्या हो जाएगा, यहीं पर धीरे धीरे इकट्ठा होता जाएगा रेसिड्यू के रूप में, ठीक है। जिसको आप लोग क्या करेंगे, बाद में फिल्टर पेपर निकाल के रिमूव कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो लास्ट में बचेगा आपका क्या आ जाएगा, शुगर सॉल्यूशन आ जाएगा। और ये शुगर सॉल्यूशन क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट से आपने लिया है, फिल्ट्रेट इसका आपने फिल्टर किया है, ठीक है ना। तो इसमें कौन क्या हो गया है, सेपरेशन में सूटेबल सॉल्वेंट में हमारे पास, देखिए सूटेबल सॉल्वेंट का यूज़ तब करेंगे जब हमारे पास कोई ऐसा मिक्सचर है जो एक लिक्विड में डिजॉल्व है और अदर में अनडिजॉल्व है। लाइक हमने शुगर और सैंड ले लिया है मिक्सचर, तो शुगर और सैंड में क्या होता है, हमने वाटर लिया है सॉल्वेंट के टर्म में, तब ये वाटर जो हमारा सॉल्वेंट हुआ है, इसमें क्या होता है, हमने एक बीकर ले लेंगे, बीकर में जो है ये शुगर और सैंड का मिक्सचर इसमें ऐड रख देंगे। उसके बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे जो सूटेबल सॉल्वेंट है, देन इसको मूव कराएंगे किसी ग्लास रॉड से। उसके बाद आपका वाटर डिजॉल्व, वाटर में शुगर डिजॉल्व हो जाएगा, सैंड नीचे आ जाएगा। देन हम एक इस टाइप का डायग्राम शो करेंगे, ये बीकर रहा, ये आपका फनल रहा, जिस पर फिल्टर पेपर लगाएंगे, इस पर गिरा देंगे पूरा सॉल्यूशन। तो आपका जो सैंड है वो रेसिड्यू के रूप में इसी यहीं रहेगा, और बाकी आपका शुगर सॉल्यूशन फिल्टर होकर नीचे आ जाएगा। बाद में शुगर सॉल्यूशन से शुगर को अलग कर लेंगे, तो ये आपका सेपरेशन हो गया है, ठीक है। तो ये आपका रहा कौन सा मेथड, बाय एडिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी आपको अगले वीडियो में दूसरा सेपरेशन बताया जाएगा, ठीक है। बट ये सेपरेशन मेथड आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें डायग्राम जो है मस्ट होता है, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा जब एग्ज़ाम में आएगा। सो इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, कोई समस्या आएगी तो आप बताइएगा। तब तक के लिए बेटा इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।